यदि आप भी भारतीय टीम को विश्व विजेता बनते देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका से मिली शर्मनाक हार ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की हार के बाद स्टार भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाई और श्रीलंका से मिली हार के लिए भारतीय टीम को जिम्मेदार ठहराते हुए भारतीयों पर अपना ऐसा जहर उगला है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिर कैसे एक बार फिर सानिया मिर्जा ने भारतीयों के प्रति अपनी नफरत को दर्शा दिया, इसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, श्रीलंका और पाकिस्तान में से कौन सी टीम बनेगी एशिया कप की विजेता? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्रीलंका के हाथों पाकिस्तान को एक कभी ना भूलने वाली हार नसीब हुई है जिस पर किसी भी पाकिस्तानी को यकीन नहीं हो रहा है। श्रीलंका के गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के आगे पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम मात्र 121 रनों पर ऑल आउट हो गई, जिसमें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन वानिंदु हसारंगा ने किया। उन्होंने अकेले दम पर पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान से मिले 122 रनों के लक्ष्य को श्रीलंकाई टीम ने 3 ओवर शेष रहते ही हासिल कर पाकिस्तान को एक शर्मनाक हार का स्वाद चखा दिया। तो पाकिस्तान की करारी शिकस्त के बाद टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने भारतीय टीम की जिम्मेदार ठहराते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिस पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है। सानिया मिर्जा ने कहा है कि आज का मुकाबला देखने लायक था ही नहीं। जिस प्रकार से पाकिस्तानी टीम इस मुकाबले में प्रदर्शन कर रही थी उसे देखकर तो लग ही नहीं रहा था कि ये हमारे खिलाड़ी मैदान पर खेल रहे हैं। आज हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जैसा शर्मनाक प्रदर्शन किया है वो बेहद ही निराशाजनक है। उन्होंने आगे कहा है कि श्रीलंका की टीम किस प्रकार से लग रही थी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी और वो यहाँ तक पहुँच जाएगी, लेकिन उन्होंने शानदार खेल दिखाया है। पर आज पाकिस्तान की हार का असली जिम्मेदार भारतीय है। सभी जानते हैं वानिंदु हसारंगा बैंगलोर के लिए IPL में खेलते हैं और ऐसे में आज श्रीलंका पाकिस्तान में से मुकाबला नहीं खेल रही थी बल्कि वो भारत के एशिया कप में बाहर होने का बदला पाकिस्तान से ले रही थी। भारतीय टीम न खुद पूछ कर पाती और न ही दूसरों को कुछ करने देती है। भारतीयों को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। यदि आपके अंदर क्षमता नहीं है कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतने की तो कम से कम दूसरों के रास्ते में अड़चन न खड़ी करें। तो दोस्तों, आप श्रीलंका और पाकिस्तान में से किसे एशिया कप का विजेता बनते देखना चाहते हैं हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।